गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? सुबह सुबह आज किचन को मैंने सोचा कि टच नहीं करते, मतलब किचन में कुकिंग करना मतलब किचन टच करना होता है। तो सारी चीजें यहाँ से निकल दी है और अभी किचन को अच्छे से डीप क्लीन करेंगे, उसके बाद ही पहला चाय बनेगा। और गैस स्टोव का जितने भी सामान है वो सारे मैंने धोने के लिए दे दिया है, जो कि रात को ही क्लीन हो चुका है। और अब देखेंगे पूरे किचन का सामान कहाँ पे है, वो देखिए। तो हमारा किचन आज बहुत ही खाली खाली सा दिख रहा है, इसे अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि एवरी डे क्या, हर दो तीन दिन में भी वो जगह क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। अंदर घुसो उसके बाद क्लीन करो, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारे एरिया भी क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। हॉब अगर स्टील का हो तो कुकिंग के बाद ना चारों तरफ एक स्टेन हो जाता है, मतलब 5-6 दिन अगर आप कंटिन्यूअसली कुकिंग करते रहेंगे, और गैस हॉब अगर आपका स्टील का हो तो वहाँ पे एक स्टेन आ जाता है। तो मैंने क्या किया, कल रात को कुकिंग सोडा एंड विनीगर चारों तरफ ऐसे फैला के रखी थी ताकि पूरी रात भर ये काम करे। और अभी देखिए सुबह मैं जब भी स्कॉच ब्राइट से हल्के से जस्ट घिस रही हूँ ना, तो ये एकदम से क्लीन हो रहा है। तो इसलिए अभी एक साल होने को है कि मैं इस किचन को यूज़ कर रही हूँ, अभी तक गैस स्टोव पे मेरा ज़्यादा वो स्टेन वगैरह नहीं है। जब भी हम ज्यादा कुकिंग करते हैं तो हमें लगता है कि जो ऑयल छिड़कते हैं ना, वो सिर्फ हॉब के आसपास और चिमनी के आसपास थोड़ा बहुत छिड़क जाते हैं, तो कुकिंग के बाद वो सिर्फ क्लीन कर तो हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता एक्चुअली। वो हमें दिखाई नहीं देता पर किचन के चारों तरफ वो छिड़क जाते हैं, और किचन अगर व्हाइट हो तो और भी ज्यादा। तो किचन टॉप जो है मेरा वो व्हाइट में ही है, और चारों तरफ अगर ऐसा रहेगा और उसके ऊपर जब डस्ट आके चिपक जाएगा तो ये और भी गंदा दिखेगा। तो जब भी किचन में ज्यादा कुकिंग होता है तो उसके बाद ही मैं एक डीप क्लीन कर लेती हूँ। फिलहाल तो काउंटरटॉप क्लीन हो चुका है, और भी कुछ बाकी है तो वो बाद में करेंगे, क्योंकि अभी अगर सारी चीजें करने जाओ तो सुबह का फर्स्ट चाय कब पीना होगा इसको कुछ ठीक नहीं है। और मैं बिल्कुल स्वेट हो रही हूँ, बिकॉज वहाँ का हवा यहाँ पे कोई काम नहीं करता, और किचन में अगर फैन चलाओ तो गैस नहीं जला पाऊंगी। तो अभी डायलॉग थोड़ा सा चेंज होगा कि मेहनत से डर नहीं लगता साहब, गर्मी से लगता है। किचन में थोड़ी देर रही, उसके बाद मेरा जो हालत हो गया, मैं क्या बोलूँ, तो एक ब्रेक लेना पड़ा और ये सारी चीज़ें यहाँ पर फैला हुआ है। नहीं, मैं इस लेमन टी मैंने बनाई है, बल्कि तो पी नहीं पाऊँगी। अभी ब्रेकफास्ट काउंटर को क्लीन करना है, और सॉल्ट और शुगर का जो बड़े बड़े दो डब्बे है ग्लास के, तो उसे थोड़ा क्लीन करना है, और सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे सेट करना है, और किचन के ड्रॉअर वगैरह में जो गुफी है ना, तो वहाँ पे भी धूल जमा हुआ है, उसे भी क्लीन करना है। जब पकड़ लिया तो आज पूरा इसे खत्म करके रहेंगे। तो अभी चाय पीना हो चुका है, तो अभी किचन को सेट कर लेते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें जो जहाँ पे था वहाँ पे रख देते हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एवरी डे अगर एक ही जगह पे एक ही सामान रहे तो देखते हुए हमें भी थोड़ा बोर फील होता है ना। तो मुझे लगता है कि चीजें थोड़ा सा इधर से उधर करना चाहिए, मतलब जो चीजें आप एवरीडे देखते हो एक ही जगह पे, वहां से थोड़ा अलग जगह पे अगर आप उसे शिफ्ट कर देंगे तो वो दिखने में भी थोड़ा सा नया लगेगा, नया कुछ। तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती हूँ, आप भी कीजिए, अच्छा लगेगा। मेरे पास कुछ प्लांटर था जिसका प्लांट बिल्कुल सूख गया था, तो वो लेके आ गई और नए प्लांट लेके जा रही हूँ, क्योंकि इंडोर आउटडोर का ना इतना ज़्यादा पता नहीं है हमें, तो इसलिए इनसे अच्छे से बोल रही हूँ, और बेस्ट और अच्छे हो खाने बाड़ी पे, तो इसलिए उनसे अच्छे से पता करके जा रही हूँ कि कौन सा प्लांट कम्प्लीटली इंडोर है, कौन सा आउटडोर और कौन सा सेमी है। तो अभी से शायद ये नहीं सूखेगा, क्योंकि अभी मैं आराम से इसका ध्यान रखूँगी।
और एक मुझे प्लांट पसंद आया है जिसके लिए मुझे एक प्लांटर ढूंढना है जो कि अच्छा दिखे, और मुझे हमेशा व्हाइट में से कुछ पसंद आता है। यहाँ पे तो व्हाइट बहुत सारे है पर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लें, इसके लिए सही रहेगा ये वाला अगर इसमें डाल दूँ तो कैसा दिखेगा। अरे ये तो छोटा हो रहा है, इसके लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक्चुअली मैं इंजेक्शन के लिए गई थी क्योंकि मैं बाहर के डॉग्स को फिट करवाती हूँ, तो साल में जो 5 वैक्सीनेशन होता है तो वो मैं देके रखती हूँ। आज था लास्ट डोज, तो उसके बाद गई थी नर्सरी में और आने के टाइम में ब्रेकफास्ट लेके आई थी। तो आर्यन के लिए है डोसा और मिथुन के लिए है मैंगलोर बान विथ सागू और मेरे लिए है उपमा, और ये उपमा बहुत ही टेस्टी बना है और इतना टेस्टी बना है कि मैं सबको थोड़ा थोड़ा खिला रही हूँ कि थोड़ा टेस्ट करके देखो। ये उदुपी वैभव का है पर ये शायद उनका न्यू रेसिपी होगा क्योंकि पहले भी मैंने उनके वहां पे उपमा खाई थी पर ये वाला उपमा नहीं बना था, तो एकदम से व्हाइट और कोकोनट डाल के बनाया गया है जो कि बहुत ही टेस्टी बना। बहुत दिनों से घर पे एक भी नहीं बना, तो आज सोच रही हूँ कि एक करी अनराइज बना लेते हैं। डक एक है घर पे, तो डक एक करी अनराइज सबसे सिंपल और सबसे टेस्टी इजी एंड सबसे मेरा फेवरेट डिश होता है। चिकन राइस भी मैं इतना ज्यादा पसंद नहीं करती जितना मैं डक एक करी अनराइज पसंद करती हूँ, पर वो एक करी बिल्कुल भी ठीक नहीं होना चाहिए, आलू के साथ पतला सा झोल होना चाहिए। पर आलू आज नहीं डालूंगी क्योंकि आलू एक्चुअली मैं एक दो पीस लेती हूँ, ना ही आर्यन लेता है और ना ही मिथुन लेता है, तो एक करी एंड राइस बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गर्मी में एकदम से किचन में रहना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि किचन में जो भी काम रहता है, और सुबह के टाइम में ना सबसे ज्यादा काम रहता है किचन में, चाहे क्लीनिंग हो चाहे कुकिंग हो या नेक्स्ट डे के लिए कुछ बनाओ या तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, पर मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा फैन के नीचे जाके बैठ जाती हूँ सोफे में, या तो कुछ छोटे मोटे काम बेडरूम में होता है तो वो भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से किचन का जो काम है वो मैं अब बोल सकता हूँ एक घंटे या 40 मिनट्स में छोटा छोटा 10 मिनट का एक ब्रेक ले लेती हूँ एंड देन उसके बाद थोड़ा सा हवा खाने के बाद फिर से किचन में आ जाती हूँ। बिल्कुल कुकिंग भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, घूम फिर के आना, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना और थोड़ा काम काज करने के बाद मित्रों के साथ थोड़ा सा बातचीत करने के बाद अभी मैं आई हूँ एक कड़ी बनाने। झटपट से हो जाएगा क्योंकि मसाला तो मेरा प्रिपेयर ही रहता है, और बस इसे एक साथ मिक्स करो बनाओ और उसके बाद जाके फिर से सोफे में जाके रेस्ट लो। और हाँ, मैं बीच बीच में पानी या तो जूस या तो फ्रेश फ्रूट जूस कुछ भी लेती रहती हूँ। सिर्फ दही खाने का मन करता है, चाहे वो ऐसे ही मतलब नॉर्मल कुकिंग वाला कर्ड हो या तो स्वीट कर्ड मिष्टी दोई, पर राइस खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। सुबह के टाइम में फिर भी ठीक रहती हूँ क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा धूप नहीं आता है, एक स्वीट सा धूप आता है वो भी इस विंडो से, पर धूप यहाँ पे कम हो गया, अभी उस तरफ गया है, पर वो जो एक सफोकेशन है ना वो नहीं जा रहा है। जो भी करूँ कुछ भी करूँ, मन पसंदीदा भी अगर कुछ करूँ, फिर भी अंदर से जो एक सांस फूल जाता है ना वो कम नहीं हो रहा है। खाना दे दो, टाइम भी हो चुका है पर एक्चुअली खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, और अगर टाइम एक बार बिगड़ जाए ना तो आपका पूरा रूटीन बिगड़ जाएगा खाना खाने का। ऐसा लग रहा है कि बार बार बाथरूम जाओ और मुंह में से पानी छिड़क के आऊं। आज 3 दिन बाद कपड़े धुल रहा है, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं हम 3 दिन बाद, और रेगुलर के जो अंडरगारमेंट्स वगैरह है वो नहाने के टाइम में ऐसे ही
शैम्पू या ऐसा कुछ तो होता ही है बाथरूम में ना, उससे धो रहे हैं, क्योंकि एवरी डे अगर क्लीन करो तो ऐसे डिटर्जेंट की जरूरत नहीं पड़ती हमेशा। और अभी 3 दिन बाद धुल रहा है हमारे कपड़े, तो थोड़ा तो ज्यादा होगा ही। बोले फलो, बोले फलो। I don't post. Usually I don't post, but I want the work. Society के garden का फूल अभी मेरे सर पे। ये तुम गए थे बाहर, कुछ कोरियर आया था, तो नीचे पड़ा हुआ था, लेके आ गए। मुझे फूल लगाना अच्छा लगता है, कान में फूल लगाना अच्छा लगता है। आनंद का आम पन्ना बहुत टेस्टी है। आर्यन को पसंद है तो इसलिए आर्यन की मम्मी को भी पसंद है। तो आर्यन के बर्थडे का जो लंच प्रिपेयर किया था, तो उस दिन 3 लाए थे, सारी चीजें एक एक करके, पर ये हम पढ़ना 3 लाए थे 3 दिन के लिए। इतना याद नहीं है क्या मैंने कभी आपको बोला था कि हम लोग जो फ्रेश टू होम से नॉनवेज लाते हैं ना, ये पूरा है फ्रेश टू होम का वेयर हाउस, ये पूरा बिल्डिंग। थोड़ा और स्वीट होना चाहिए था हम करना, थोड़ा ज़्यादा ही खट्टा है। थोड़ा और अगर स्वीट होता ना तो एकदम ठीक होता, एकदम टेस्ट बैलेंस होता। ज़्यादा खट्टा होने पे ना खांसी आ जाती है। एनीवे अब से तो इंट्रोड्यूस करवाना नहीं हुआ, और लाने के बाद तो मैं ये सारे इंडोर प्लांट्स लाई हूँ आज। ये तो कम्प्लीटली इंडोर प्लांट है, और छोटे छोटे फूल भी है। ये तो इसका फूल है, फूल और पत्तियाँ एक जैसे दिखता है। बिल्कुल पहली बार देखा एक जैसे दिखता है। पहले ये मेरे पास एक था जो कि मेरे एक फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पे इनिशियली मुझे गिफ्ट किया था, बाद में कुछ और भी गिफ्ट किया था, पर इनिशियली मुझे ये प्लांट गिफ्ट किया था। पर उस टाइम में इसके बारे में इतना पता नहीं था, तो काफ़ी दिन तक था उसके बाद ना, और बचा नहीं पाई। वो बाहर रखी थी कि थोड़ा सा धूप दिखाना भी ज़रूरी है, और जल गया। आज इन्होंने बोला कि इसे बिल्कुल भी बाहर मत रखना। और उसके साथ ये एक प्लांट लाई, ये फूल का नहीं है, ऐसे ही इसका लीफ है, इसका ब्यूटी है। ये प्लांटर भी नया लाई हूँ, और ये तो पुराना वाला है, सारे पुराने हुए प्लांट्स, पर ये थोड़ा सा बड़ा जबकि है, तो इसलिए सोचा कि एक नया प्लांट ले लेते हैं, और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। देन हम लाए ये और एक प्लांट, पर ये एक्चुअली इंडोर नहीं है, ये प्लांटर मेरा है। तो मैंने जस्ट ऐसे बोला था कि सर इंडोर प्लांट देना भैया, पर इसे पसंद आया था, इन्होंने बोला था ये इंडोर है, ये बोल के पूरा सेट कर दिया। फिर और एक बंदा आया, बोल रहा कि ये तो आउटडोर है, क्या करें, ये लाना पड़ा। पर यहाँ पर रख रही हूँ ताकि ये यहाँ से तो प्रॉपर धूप आता है, तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी कभार इसे बाहर भी डाल दूंगी। और ये फ्लावर देखिए, ये फ्लावर है, फ्लावर का प्लांट है, तो ये भी इंडोर है। मुझे तो पहले लगा था कि लीफ का जो सिर्फ मतलब लीफ ही जिसका ब्यूटी है, वो सारे प्लांट्स जो है वो ही सिर्फ इंडोर हो सकता है, पर आज देखा कि ये फ्लावर्स भी इंडोर है, तो फ्लावर्स लेके आई। आई होप कि अभी 2-4 दिन में ये फ्लावर्स खिल जाएगा, तो कितना खूबसूरत दिखेगा। प्लांट्स जो होते हैं रियल प्लांट्स, जितना भी महंगा आप आर्टिफिशियल फ्लावर लाओ, उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, ज़्यादा नेचुरल दिखता है, क्योंकि ग्रीन हमेशा कोई भी थीम हो पर ग्रीन लगता है हमेशा हर एक जगह पे सूट करता है, चलता है, क्योंकि वो नेचर का कलर होता है। और फ्लावर शायद इसका लाइट पिंक होगा, वाइट में लाइट पिंक कुछ फ्लावर शायद होगा। वहाँ पर खिला हुआ था एक था बिल्कुल वाइट, पर इसका बर्ड्स देख के लगता नहीं कि ये पूरा वाइट होगा, पर जब भी खिलेगा बहुत खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि ये फ्लावर्स जब भी खिलेगा एक एक करके नहीं, एक साथ पूरा बंच ऐसे खिलेगा, अच्छा लगेगा, बिल्कुल मेरे ऑस्कर माइलो की तरह है। और ये भाई साहब तो बहुत पहले से ही था हमारे यहाँ पे, पुदीना का प्लांट और ये एक साथ लाए थे हम, तो पुदीना तो रहे नहीं, पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है, पर एक डार्ट ऐसे निकला हुआ है, आई होप कि वो बच जाए, पर ये एकदम से ठीक ठाक है। इसका जो लीव्स है एवरीडे क्लीन होता है, सारे छोटे छोटे जो इंडोर प्लांट्स है इसका लीव्स एवरीडे मैं क्लीन करती हूँ, पर बड़े बड़े जो प्लांट्स है इंडोर प्लांट्स उसका पॉसिबल नहीं होता इतना, एक एक पत्तियाँ क्लीन कर करके फिर सारी चीजें संभालना।
they'll be calling us gold. No lie, so bear with it, yeah. We can let them stare at it. आपको और एक प्लांट दिखाना मैं भूल गई जो कि इस रूम में है, तो ये वाला प्लांट, ये भी इंडोर है और इसके जो लीव्स है ये मुझे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। मिथुन को चाय पीनी है, मैं तो चाय नहीं पीऊंगी, आम पन्ना पी लिया बस, इतना काफ़ी है मेरे लिए। मैं आजकल दिन में एक ही बार चाय पीती हूँ और अगर कॉफ़ी पीना है तो कभी कभार शाम को पी लेती हूँ, अदरवाइज कोई हॉट बेवरेज में मैं आजकल नहीं जाती। लेकिन दिखाई देने वाला बारिश नहीं है, दिखाई देने वाला बारिश है, देखो बारिश। अभी जाकर मैं पौधे को पानी दे के आया। सबसे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है, बहुत दिनों बाद जब बारिश होती है ना उसके बाद मिट्टी का जो खुशबू है वो पूरा मेरे नाक में आ रहे हैं। और ये बारिश में भीग रहा है और खुद को साफ कर रहा है, बस बारिश खत्म। नहीं इतना जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा है आज सुबह से भी किसी को पता नहीं क्या सिर्फ बारिश नहीं हवा भी चल रहा है, हवा के साथ साथ बारिश, हवा चल रहा है ना तो बारिश ज्यादा देर होगा नहीं, यही प्रॉब्लम है। बाकी किसी दिन हवा नहीं चलता, जिस दिन बारिश हुआ उसी दिन हवा चल रहा, ताकि बारिश और क्लाउड को सारा मतलब ऐसे उड़ा के ले जाए दूसरे के वहां। अरे क्या गिर रहा है दूसरे के वहां से, क्या गिर गया, क्या गिरा, इनका है इनके छत से। सुनिए बादल की गरजने की आवाज, काले मेघा काले मेघा पानी तो बरसाओ। एनीवे बहुत अच्छा लग रहा है रियली, मैं अभी सोच रही थी कि वीडियो पे एंड करूंगी, पर एंड करने से पहले खुशी इस तरह से कुछ सरप्राइज मिल जाएगा उन्हें सोचा नहीं था, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कितना गर्मी घटेगा पता नहीं, वो तो बाद में देखा जाएगा, अगर कंटिन्यूसली ऐसे होता जाएगा बारिश तो जाके गर्मी घटेगा, बट बारिश की बूंद गिरा जमीन पे इससे मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, अभी तो लोग पागल समझेंगे। अरे बाप रे, फ्रेश टू होम बारिश का डील भी भेज दिया। डील अच्छा, मॉनसून डील, दस मिनट नहीं हुआ अभी, सोचो तुम तो मस्ती कर रहे हो, मैं कैमरामैन भीग रहा हूँ। चलो अंदर।